उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम। मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। अच्छा तेरा ब्याह है तो उन सब कुछ भूल जा, ते अपनी नई जिंदगी की तैयारी कर। भाई साहब, मैं इस इलाके के एमएनए चौधरी सरवर की बीवी हूं। इतने बड़े बंदे की बीवी और इस हाल में? चौधरी साहब, दूर अपने कमरे में नहीं है। ए अमर पुत्र किन्ना औरतों को कर लाए? थाने गया रिपोर्ट कराने। अहमद चौधरी कहां है? मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूं। वो एक क़यामत की रात थी। उस रात मेरा सुहाग उजड़ा, मेरी कोक उजड़ी और मैं भी। हाँ, ये कोई मेरा ख्याल है 20 साल पहले की बात है। हाँ, मगर आपको कैसे पता? वो मैं वहीं था जी, गुरुद्वारे से निकल रहा था। मैंने एक जनानी के पीछे बहुत सारे बंदों को भागते हुए देखा था। नसीब औरत में ही तो थी। मैं मदद के लिए आया था जी, लेकिन एक बच्चे की आवाज सुनकर रुक गया था। अच्छा, वो मेरा बच्चा था। मेरा बच्चा जिंदा है? जिंदा है मेरा बच्चा? हाँ, वो जिंदा था जी, पर जैसे ही मैंने उसे हाथों में उठाया वो दम तोड़ गया जी। श्यामा पैया तू घर ढोर रा, श्यामा पैया बिना तू घर ढोरना, रो रो के मैं
बापू 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 वो रमेश कहता है कि बापू वो अमर अमर ओए अमर रुकी हो यार अजी तेरी बेटी भाग गई है भाग गई वो भी एक गैर मुस्लिम के साथ आप क्या कह रहे हैं चौहान साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अहमद ने खुद दोनों को भागते हुए देखा है तेरी बेटी ने सारी बरादरी में नाक कटवा दी हमारी चौहान साहब आप सच कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो सकता है आप यकीन कीजिए नूर तो कभी उनसे मिली भी नहीं भूल झोंकी है उसने तेरी आंखों में और हमारी आंखों में भी अगर ये सब कुछ सच है जॉर्ज साहब तो मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके खानदान को भी नहीं छोड़ूंगा इसी में भलाई है तेरी जा और जाकर उधर एक फसाद खड़ा कर दे उन लोगों को इतना मजबूर कर दें कि वो खुद तेरी बेटी को तेरे पास वापस लेकर आए इसी में भलाई है तेरी भी और हमारी भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब तशरीफ रखें मेहरबानी जी हाजी साहब कैसे आना हुआ रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ अपनी बेटी के अगवा की किसके खिलाफ चरणजीत और उसके बेटे के खिलाफ अजीम आवाज कहां मर गए सारे लगता है दोनों भाग गई हैं आप घबराइए मत परेशान ना हो हम यहां से करतारपुर जाएंगे वहां मेरे दोस्त हैं हम उसके पास कुछ दिन रहेंगे जैसे मामला ठंडा होगा हम वापस चलेंगे ठीक है देखिए हम मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है आप परेशान ना हो लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आपको वापस भेजूंगा आप प्लीज कुछ आइए आपने आपने सुबह से कुछ नहीं किया हाय 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 अल्लाह ने तेरे बात से बचाए कैसी प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह आप गलत समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं आँख उठी मोहब्बत ने हंगड़ाई ली आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली
दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। अमर ने ऐसा मजबूरी में किया तरन साहब, उसने जो कुछ किया ठीक किया। अरे लामा साहब, वो नूर थी कब, वो तो पहले हमारे बहुत खिलाफ है जी। इस बात पे तो हमारे खिलाफ और भी जहर उगलना शुरू कर देगा जी। आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, कानून है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। और चंद दिनों में अगर मामला सही हो जाता है तो हम अमर को वापस बुला लेंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी जी। लामा साहब, वो नूर दी को लेके क्या किधर है जी? ये तो उसके टेलीफोन आने पर ही पता चलेगा। पर हाँ, अमर संग ने एक अच्छा और नेक काम और किया है। उसने एक लड़की की जिंदगी किसी कातिल के हाथों बर्बाद होने से बचा ली, और इसका अजर उसे अल्लाह ताला देगा। लामा साहब, आप ना होते ना जी, ये सरवर चौधरी और इसके खानदान ने इस इलाके को जन्नत बना देना था जी। अभी अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को दराज किया हुआ है। जिस दिन तंग हो गई, आप इसका हश्र देखना इनका। ये दुनिया मुकाफात अमल है तरन साहब, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जी इंस्पेक्टर साहब, किस तरह आना होया? अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह वो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ है, कुछ दिनों तक आ जाएगा। बकवास बंद कर, झूठ बोल रहा है तू। वो कहीं नहीं गया, तेरा बेटा मेरी बेटी को अगवा करके ले गया है। हाँ, मेरी मासूम बेटी तेरे मकार बेटे की बातों में आ गई है। चुपचाप उसे वापस बुला ले, वरना यहाँ कयामत आ जाएगी। अजी साहब, आप मुझे बात करने दें, अपने जज्बात पर काबू रखें, और आप मेरे साथ थाने चलें, वहीं चलकर बात होगी। तरन जी, की कहंदे पे ने? अमर ने साचे कीता है। कुछ नहीं होया पलिए लोके, ओ इन्हें भुलेखा लगा है। मैं गल करके आना ना, तू रुखसाना दे आलिया दा ख्याल करी। आओ जी, आओ जी। तुसी इत्थे खलोगे, मैं उन्हां दे नाल होकर आना। बैठे हैं हाजी साहब। आपने उस अमर सिंह के बाप को लॉकअप में डाल दिया है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? कमाल करते हैं आप। आपको अच्छा भला पता है कि उसने मेरी बेटी को अगवा किया है, फिर भी आप उसके साथ रियायत बरत रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। देखिए हाजी साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं और आपके जज्बात भी। तरनजीत ने मुझे जो कुछ भी बताया है, उसके बाद मुझे भी अपनी सोच बदलना पड़ी। क्या क्या बताया है? मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता चल गया हाजी साहब, अमर सिंह नूर को लेकर भागा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे साथ ले गया है। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं हाजी साहब? शुक्र अदा करें, आपकी बेटी की जान बच गई है। अमर और नूर भी मिल जाएंगे, लेकिन दुआ करें हमें मिलने से पहले वो अहमद चौधरी जैसे घटिया इंसान के शर से महफूज रहें। वो एक कातिल और मफरूर है। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। सलाम सरकार। रोशू जी,
अपने बंदों को उन दोनों की तस्वीरें भेज और हर शहर में अपने बंदों को भेज, मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। मगर सरकार। ओए, कोई अगर मगर नहीं, जितना कहा है वो कर, मुझे वो जल्द अज जल्द चाहिए। जा। जी ठीक है सरकार। हाथ आगे करो नूर बेटी। जा रही मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। अभी हुए तो नहीं ना, जब होके तब ये बात करना। तुम्हारा ये अखड़पन मेरी जान ले लेता है। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मुझे इतनी कोशिशें करनी पड़ रही, वरना जिसे चाह लिया। आप जैसे लोग मेरे कदमों में होते हैं, यही तो फर्क है जायज और नाजायज में। आप जायज के कदमों में और नाजायज आपके कदमों में। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़ा मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। अमर साहब आप भैया। सत श्री अकाल। आ जाए बैठे। नहीं नहीं जी, थैंक यू। वो जी मिसलूर से मिलने आया था, तारक के हवाले से कोई बात करी थी उनसे। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप कल आ जाएं, और वैसे भी आज वो अहमद साहब के साथ गई हैं और कल वैसे भी उनका स्कूल में आखिरी दिन। अहमद चौधरी के साथ क्यों? आपको नहीं पता, असल में उनकी शादी हो रही है और वो दोनों आज शॉपिंग पे गए हैं।
ये नूर, ये मेरे दोस्त प्रेम सिंह का गांव है। हाँ प्रेम सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है, मोहब्बत करने वाला इंसान। जब आप मिलेंगे ना उनसे तो आपको एहसास आके पागल कर देगा। चौधरी साहब, आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, और वो भी इतना बड़ा। क्या मतलब है तेरा? आपका बेटा कातिल है और आप मेरी मासूम बच्ची को एक कातिल के पल्ले बांधने लगे थे। झूठ है ये, मेरा बेटा कातिल नहीं है, पुलिस की ड्रामेबाजी है जो वो चौधरी अनवर के साथ मिलकर कर रही है। लेकिन पुलिस के पास आपके बेटे के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद है। तो सबूतों का क्या है, झूठे भी तो बनाए जा सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि बगैर सबूतों के किसी बड़े आदमी के बेटे पर हाथ डाल सके, उस पर इल्जाम लगा सके। वास बंद करो आजी। देखिए चौधरी साहब, ये ठीक है कि मैं कोई अच्छा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा बाप भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को एक कातिल को सौंप दूं। जानता है ना कि तू मेरा मकरूज है और तेरे इस कर्ज से निजात दिलाने के लिए ये एहसान किया था मैंने तुझ पे। तो फिर नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर अहमद चौधरी कातिल साबित हो गया मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे कभी नहीं दूंगा। और हाँ, बाकी रही कर्जे की बात, तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने आप को बेचकर भी आपका कर्ज उतारूंगा, और जरूर उतारूंगा। चुप हो जा पलिए लोके, चुप हो जा। अपना अमर ठीक ही हो। मैंने झूठियां तसल्लियां ना दबो, पता नहीं कितने होएगा, किस हाल च होएगा। जिथे भी हो ठीक ही हो, शाम तक आ जाओ ओदा फोन। तू चुप कर जा। रहने दे भाई साहब, रोने दे इन्हें। माँ की ममता ऐसी होती है, जब तक ये अपने बेटे से नहीं मिल लेती इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। मुझे देखें, 20 साल से अपने बेटे के लिए तड़प रही। ढोलना शमा पैया तेरे भी।
मेरा खून खोल रहा है अंदर से। मैं जानता हूं तू कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें, तुझे निकाल लूंगा हर मुश्किल से। उसने मुझे सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया है, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा, सिसकती हुई मौत दूंगा उसे। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, लेकिन तू जज्बात में आकर कोई उल्टा सीधा काम ना करना, जब तक मैं ना कहूं यहां से बाहर ना निकलना। तो चूहे की तरह बिल में छुपा रहूं क्या? वो इंस्पेक्टर तुझे बिल्ली की तरह तलाश कर रहा है, चूहे की तरह बिल में रहना ही तेरे लिए बेहतर होगा। जो भी करना है जल्दी करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिक्र ना कर, पहले तो उस इंस्पेक्टर का कुछ करना होगा, उसके बाद उन दोनों को ढूंढ कर तेरे सामने लेकर आऊंगा। भैया जी, तेरा हमारा हिसाब बराबर हो गया। बहुत मेहरबानी फैज साहब, मगर क्या? देखिए फैज साहब, ऐसा ना हो कि शादी के बाद दोबारा। तेरा मतलब है कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं तुझे? हाँ नहीं, ये बात नहीं है खुदा ना खास्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था जी, तू जानता है ना कि चौधरी सरवर तुझे जुबान दे रहा है, और मैं मर तो सकता हूँ लेकिन अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। जी चौधरी साहब, अच्छी तरह जानता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। बस अब एक और छोटी सी गुजारिश करना थी। हाँ बोल। मेरी बेटी नूर बड़ी हसास और नाजुक बच्ची है, ठीक है मैं कोई अच्छा बाप बनकर नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने हमेशा उसके अच्छे मुस्तकबिल और उसकी अच्छी जिंदगी के ही ख्वाब देखे हैं। फिक्र ना करा जी, अहमद उससे बहुत शदीद मोहब्बत करता है, अगर वो अपनी मोहब्बत में मेरे सामने खड़ा हो सकता है तो खुद सोच कि नूर के लिए क्या करेगा। झूठ है ये, मेरा बेटा कातिल नहीं है, पुलिस की ड्रामेबाजी है जो वो चौधरी अनवर के साथ मिलकर कर रही है। देखिए चौधरी साहब, ये ठीक है कि मैं कोई अच्छा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा बाप भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को एक कातिल को सौंप दूं। तू जानता है ना कि तू मेरा मकरूज है, और तेरे इस कर्ज से निजात दिलाने के लिए ही एहसान किया था मैंने तुझ पे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नूर, किस हाल में होगी। आओ जी आओ आओ, अकारे गए मेरा छोटा जिया। देखो बाजी की जी आया। अनुप्रा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਪਰੋਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਮੁਦਾਰਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਈ ਅਮਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੇਰਾ बहन जी, किसी चीज की लोड़ तो नहीं है?
नहीं भाई साहब, भाई साहब। जी बहन जी, भाई साहब आपसे बात पूछनी थी। जी पूछो बहन जी। भाई साहब आपने आपने मेरे बेटे को दफनाया था या? ना ना बहन जी, मैं उथे ही छोटी जी कबर बना के दफनाता सी। कितनी बदनसीब हूं मैं, ना शौहर का साथ मिल सका ना औलाद की खुश। ये दुख सहने से तो बेहतर था कि मुझे भी खुदा उठा ले। पुत्र जिंदा है भैन जी, जिंदा। हेलो 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 बापू, मैं अमर बात कर रहा हूँ। अमर है? वो महफूज जगह तो है ना? बिल्कुल बापू, बिल्कुल महफूज है। बस एक दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा करतार पर। तो देख अमर, मैं इंस्पेक्टर नु सारी गल साथ साथ दस दी आ, मैनू अलामा ने सारा कुछ दस दिता सी। उधर तू नूर नु लेके घर वापस आ जा, इंस्पेक्टर आप ओदी हिफाजत कर लो। नहीं बापू नहीं, अभी नहीं। अहमद चौधरी के लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ओ चले आप, अहमद चौधरी तो आप मफरूर आ, ओ पुलिस तो उन्हें लगती फिर दिया। अरे नहीं बापू, अहमद चौधरी इस वक्त बिल्कुल खतरनाक है। एक बार अगर पुलिस वाले उसको पकड़ लें उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अरे अमरे, तेरी बेबी बड़ी परेशान है बेटा। बापू तू बेबू को कह के परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस किसी को ना बताना कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ सिवाय अल्लामा साहब के। मैं मौका देख के सीधा आपके पास पहुँचता हूँ। ओके बाबू, सत श्री अकाल। ये क्या भाई, सत श्री अकाल। वाहेगुरु वाहेगुरु तेरी हिफाजत करें।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਡ, ਅਮਰ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਹਾਂ, ਤੁਮ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਲੇਤੀ ਥੀ ਉਸਕੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪ। ਡੈਡ, ਤਰਨ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਮੇਂ ਤੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਡੈਡ, ਉਨ੍ਹੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਸਤੀ ਕਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਾ, ਇਸਮੇ ਤਰਨ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਮੇ ਅਮਰ ਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਥੀ। ਅਮਰ ਨੇ ਤੋ ਕਭੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਵੋ ਬਾਨੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਐਸਾ ਤੋ ਕੁਛ ਹੋਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਕਿਉਂ ਉਨ ਲੋਗੋ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਉਂ ਯੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋ ਲੋਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਧੋਖਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਡ, ਤਰਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਕਦਮ ਪੇ ਵੋ ਚਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਵੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਥੇ, ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਸਾਥ ਕੈਸੇ ਛੋੜ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਡੈਡ, ਉਨ੍ਹੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਗੜਾ